हेलो हेलो, पहचानिए तो कौन बोल रहा है। ये पूछिए आप हमारे कौन नहीं हैं। अच्छा बताइए आपकी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। खत्म हो गई, इसीलिए तो आपको फोन किया है। और तुम सुनाओ। मैं क्या सुनाऊं। अरे राजी पुत्र, किसका फोन है। उनका वीर का फोन है। ओ, ला दे, मैं बात करूंगी उससे। हेलो बेटा वीर, कैसे हो पुत्र तुम। जी मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूँ। अब तेरा ट्रेनिंग कैसे चल रहा है। ट्रेनिंग तो आज खत्म हो गई मामा। अच्छा, वो वहाँ का मौसम कैसा है। मौसम बिल्कुल ठीक है मामा। मामा जरा मैं राजी से बात कर लूं। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे ये जीत भी यहीं खड़ा है, वो तुमसे बात करना चाहता है। लो जरा जीत से भी तो बात कर लो। हाँ एक मिनट। भाई का फोन है। हाँ उसका फोन है और वो तुमसे बात करना चाहता है। लो। मुझसे क्या बात करेंगे वो, भाभी को दो ना। उससे भी तो अच्छा लगेगा, बात कर ले उससे। हाँ भाई कैसे हो। ओए मैं ठीक हूँ, और जो तूने बोला ना वो भी सही है। चल अपनी भाभी को फोन दे। अच्छा तो अब तो हमारी कोई गिनती नहीं रही। ठीक है देता हूँ भाभी को। अरे जरा वीर से जरा मुझे जरूरी बात करनी है, ला दे। अरे मम्मा भाभी को बात करने दो ना। लो बात कर लो। लो भाभी। हेलो मम्मा, मैं चलता हूँ, बाय बाय। बस एक बात बताओ कि तुम ठीक तो हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तुम खुश तो हो ना। हाँ खुश तो हूँ मैं। यहाँ घर पर बैसाखी की तैयारियाँ चल रही है, चारों तरफ खुशी ही खुशी है। आपको बैसाखी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा अब मैं फ़ोन रखूँ। ओके बाय। उसने कहा तो सही कि वो खुश है, लेकिन मुझे ऐसा लगा क्यों नहीं। मम्मी जी हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। अच्छा पुत्र। तुम्हारे डैडी जी। मल्होत्रा साहब, मल्होत्रा साहब। अंदर क्या है ये सब है? ये क्या बदतमीजी है। बदतमीजी नहीं है, आपकी लड़कियों से मैं आपके बारे में पूछ रहा था। जरूरत क्या थी यहाँ आने की। मेरी सरीन साहब से बात हो चुकी है। मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ मल्होत्रा साहब कि उन्होंने आपको 7 दिनों की मोहलत दी है, जिसमें आप सिर्फ 6 दिन बचे हैं। याद है मुझे, और दोबारा याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अब आप जा सकते हैं। ठीक है मल्होत्रा साहब जा रहा हूं, लेकिन 7वें दिन कैसे भी आप उनके पैसे भिजवा दीजिएगा, वरना। तुम अपने कमरे में जाओ। मल्होत्रा साहब आप मेरी बातों को कोरी धमकी मत समझिएगा। बात हाथ से निकल जाए उससे पहले पैसों का इंतजाम करके भिजवा दीजिएगा। चलता हूं। अब क्या होगा बेटा। सब ठीक होगा मासी। सब ठीक होगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। हिम्मत रखता है रब भी उसी का साथ देता है। हेलो हेलो डैडी जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, कैसी हो पुत्र? मैं ठीक हूँ। अच्छा डैडी जी, हमारे यहाँ बैसाखी की पार्टी है और मम्मी जी ने उनके कुछ खास लोगों को बुलाया है, आप लोग आएंगे ना? राजी पुत्र, हम लोग? हाँ पुत्र, हम आएंगे। राजी, डैडी जी मम्मी जी को देंगे? एक मिनट, राजी तुझसे बात करना चाहे। हेलो मम्मी जी, मैंने डैडी जी को बताया है हमारे यहाँ बैसाखी की पार्टी है और मम्मी जी ने आप सबको बुलाया है। हम लोग? हाँ पुत्र, हम लोग आएंगे। मम्मी जी वहाँ सब ठीक तो है ना? आप और डैडी जी दोनों ही मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं पगली, ऐसी कोई बात नहीं। वो तेरी अभी अभी शादी हुई है ना, और तेरी पहली बैसाखी भी आ गई। बस यही सोचकर खुशी के मारे जुबान लड़खड़ा गई। राजी पुत्र, तू यहाँ की बिल्कुल फिक्र ना कर, यहाँ सब ठीक है। हाँ, और माता रानी की मेहर से सब ठीक होगा। अरे तेरी पहली बैसाखी है अपने ससुराल में, खूब धूमधाम से मनाना। हाँ भाई, हम भी आएंगे, ढोल की ताल पे रंग जमा देंगे। क्यों मोनी? ठीक है डैडी जी, मैं फोन रखूं? ठीक। क्या कर रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मुझे लगा कुछ सोच रही है। हाँ हाँ, मतलब तू सोच रही थी, और मतलब कि मैं भी सच सोच रही हूँ। सोनी चल, चलते हैं। ये हो गई स्टाफ की तनख्वाह और ये हो गए मजदूरों के। अब बचे एम्ब्रॉयडरी वाले, मतलब 6000 काम पड़ रहे हैं। मोनी तू कब आई? 6000 रुपए कम पड़ रहे हैं ना? हाँ, वो इस महीने कारोबार भी जरा मंदा था ना, तो मेरे पास कुछ रुपए पड़े हैं, वही जो आपने घर खर्चे के लिए दिए थे, उनमें से ले लीजिए। अरे वो तो खर्चे के पैसे होंगे ना, वो खर्च कर देगी तो कार कैसे चलाएगी? नहीं। ये सवाल उनके सामने भी उठेगा ना, जिनकी तनख्वाह आप नहीं दे पाएंगे। आप फिक्र मत करो, हम किसी तरह भी चला लेंगे। मैं पैसे लेकर आती हूँ। लीजिए, ये रख लीजिए, चाहे तो एक आध हफ्ते बाद जब कंपनी में पैसे आ जाएंगे ना, तो आप इन्हें लौटा देना। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि आज की ज़रूरत पूरी की जाए। किसे पता था कि ऐसा वक्त भी देखना पड़ेगा। घर की हालत देखी नहीं जा रही। मन करता है किसी भी तरह डैडी जी की मदद करूं, पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे। अब तू कहाँ खो गई? खोई नहीं हूँ मैं सोच रही थी कि डैडी जी की परेशानी कम करने के लिए क्यों ना मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लूँ। क्या पागल हो गई है तू? तुझे पता है ना डैडी जी को पता चलेगा तो क्या होगा? उन्हें बहुत बुरा लगेगा, उनकी परेशानी कम होने के बजाय और बढ़ जाएगी। मोनी जी कहिए। मोनी भाई मैं चलता हूँ। अरे नाश्ता तो करते जाइए। नहीं हो, बहुत देर हो जाएगी। आज नए क्लाइंट से मीटिंग है। उसने हमारा सारा माल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। रब की मेहर रही, उसने सारा माल अगर खरीद लिया ना तो अच्छे दिन फिर से वापस आ जाएंगे, कर्जा भी चुक जाएगा। तुम लोग आ गए, वाह वाह। रेडी वाह भाई वाह। भाई इतने अच्छे काम के लिए निकल रहा था, भगवान का प्रसाद भी मिल गया। अब देखना सब ठीक हो जाएगा है? अच्छा मैं चलता हूँ, मैं देखता हूँ। हेलो हेलो मल्होत्रा साहब, मैं सोडी बोल रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी सोडी साहब, मैं बस आपसे मिलने के लिए निकल ही रहा था। मल्होत्रा साहब मैंने यही कहने के लिए आपको फ़ोन किया कि अब आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझा नहीं। गल ये है मल्होत्रा साहब कि जो डील हमने आपके साथ करनी थी वो डील हम किसी दूसरी पार्टी के साथ तय कर चुके हैं। क्या? लेकिन सोडी साहब हमारी तो बात हो चुकी थी ना। मैंने आपसे कहा ना मल्होत्रा साहब कि ये डील हम किसी दूसरी पार्टी के साथ ऑलरेडी तय कर चुके हैं। देखिए सोडी साहब, अगर पैसे की बात है ना तो मैं सारा माल आपको सस्ते में दे सकता हूँ। नहीं नहीं मल्होत्रा साहब, गल पैसे की नहीं है। मैंने आपसे कहा ना कि ये डील हम आपके साथ नहीं कर सकते बस। हाँ लेकिन सोडी साहब मैं क्या हुआ पता नहीं, कह रहा है डील नहीं हो सकती। क्या किसी और के साथ कर ली? लेकिन ये इसमें भी कोई भलाई होगी। इसमें कैसे भलाई हो सकती है जी? और फिर ऐसे वक्त पर मोनी, ऐसी रब की मर्जी। हेलो हेलो मोनी बहन जी। जी मैं मोनी मल्होत्रा बोल रही हूँ। नमस्ते जी, मैं शांतिलाल अरोड़ा बोल रहा हूँ, ज्वेलर। जी जी मैंने आपके हार के लिए ना एक पार्टी से बात की है तो वो 1.5 लाख रुपए देने को तैयार हो गया। 1.5 लाख? सच सेठ जी? हाँ। धन्यवाद सेठ जी, मैं कल सुबह 11 बजे तक आपके पास पहुंच जाऊंगी। जी बहुत बेहतर, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा जी नमस्ते। जी नमस्ते। मासी मासी, हार का खरीदार मिल गया है। सच? 1.5 लाख देने को तैयार है। इससे तो काफी सारी हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हाँ बेटा, ऐसे वक्त में 1.5 लाख की रकम भी कोई कम रकम नहीं होती। मासी वक्त पर तो तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा होता है। ये सब माता रानी की मेहर है। मम्मी जी बोल पुत्र। वो बैसाखी के लिए हम उस घर में नहीं जाना चाहते। माही बेटा, बैसाखी के त्योहार पर तो सब लोग अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। बैसाखी तो खुशियां लाता है बेटा, फिर हम ही उन खुशियों से दूर क्यों रहे? नानी मासी बस मन नहीं कर रहा। पुत्र अपनी राजी दीदी से मिलने का मन भी नहीं कर रहा। बोलो तो फिर सब भूल जाओ। तुम्हारी राजी दीदी तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हो जाएगी। अपनी बहन की खुशी के लिए तो जाना चाहिए ना। और फिर प्रिंस का तो एग्ज़ाम है, वो नहीं जाएगा। बम भी उसके साथ ही रहेगा। तुम दोनों भी नहीं जाओगे तो बहुत बुरा लगेगा। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे ब्रिज आ गई तो भाई जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं लड़कियों को तैयार करवा के आती हूँ। अरे भाई आज तो बहुत थकान हो गई है। आप ज्यादा फिक्र ना करें, कल बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। तुझे कैसे पता? वो बस मेरा मन कह रहा है कि हमारे हालात बदल जाएंगे, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है। तू राजी के कार चलने के लिए तैयार है? हाँ, बस मुझे बाल बांधने 5 मिनट। चल जल्दी कर, मैं अभी तैयार। अरे मोनी, ये आर यहाँ क्या कर रहा है? के लिए निकाले हैं कश्मीरान, तो वैसे ही नहीं सोनी है, तुझे बनाव श्रृंगार की क्या जरूरत है? इन गहनों को देख के मैं ही सोचता हूँ कि इन बेचारों का क्या कसूर है। इनकी शोभा बढ़ाने के लिए इन्हें पहन ले। शादी के दिन के बाद से तूने ये आज तक नहीं पहना। मुझे पता है तुझे गहनों का शौक नहीं है, लेकिन मेरी खुशी के लिए पहन ले। ओए, वैसे इन दिनों इतनी तकलीफों से गुजर रहा हूँ, तुझे देख के तसल्ली हो जाएगी, पुराने दिन याद आ जाएंगे। पहले मैं भी तैयार हो गया था। हाँ, आज पहनूंगी मैं। हमारे इस खानदानी हार ने आज तक हमारे घर की शोभा बढ़ाई है और कल ये हमारे घर की इज्जत को बचाएगा। ये हार नहीं, बड़ों का आशीर्वाद है जो मुश्किल में हमारा साथ दे रहा है। आज पहनूंगी मैं ये हार। जी किससे लपेटूं? अपने गले में लपेट के लटक जा, दिमाग नहीं काम करता तेरा। लपेटना इस पे। आओ। ओए खुराना जी। हाँ जी। ये क्या जोकरों जैसी हालत बना के रखी है, हैं? ओए, नौकरों की तरह जो तुमने मेरी हालत कर रखी है ना, उससे तो अच्छा है ये जोकरों जैसा हाल, दरमनाल। और ये सब किसने करवाया है? ये सब राजी पुत्र का कमाल। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। तुम तो उतना ही करोगी जितना तुमने सीखा है और जितना तुम्हें आता है। तुम क्या जानो अमीरों के तौर तरीके, उनके रंग ढंग। और फिर मेरे जीजा जी भी तो आ रहे हैं, उनकी अमीरी के चर्चे विदेशों में भी है। वो आएंगे और ये देखेंगे तो क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? देखकर तो ऐसे लगता है कि तैयारियां तो किसी ऐसे ने की है कि जिसकी कोई क्लास ही नहीं है। ये फूल, ये रंग बिरंगी चादरें, वो क्या है? ये क्या कर दिया तुमने? और ये बैठक है क्या है? कैसे जटका कलश के कब्र चढ़ाया इस पर? और इस पर तो कैसे सफेद रंग के कब्र होने चाहिए। ओए, ये बैसाखी की तैयारी हो रही है या मैयत की तैयारी हो रही है? अब देख क्या रहे हो, ये सब काम तो करवा लो आप। हाय रब्बा, ये क्या है? ये क्या है? और ये गांव है जो ऐसे चूल्हे बनवाए हैं। हाँ, मेरे जीजा जी तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाएंगे। मैंने वो कैटर को फोन कर दिया है, वो वहाँ, हाँ वहाँ वो बूफे लगा देगा। दुर्गा, 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 मेरी मानो तो एक बात कहूँ, इस सब पर ना बहुत मेहनत लग गई है। इसे ऐसे ही रहने देते हैं और जो तुमने कहा वो भी करवा लेते हैं। भाई वैसे भी तुम्हारे जीजा जी आम लोगों से क्यों खुलेंगे मिलेंगे, वही तो इस फंक्शन में खास है। चलो ये भी ठीक है। वैसे भी राजी के घर वाले भी तो आ रहे हैं, उन्हें ये सब अच्छा लगेगा। क्यों राजी जी? मम्मी जी, मैं अभी सब करवाती हूँ। मैं भी मदद करता हूँ। मठे आजा। इतने में इतना बुरा लगे? असली मजा तो रात को आएगा मुझसे तो जैसे इंतजार हो ही नहीं रहा।